नमस्कार। ओएलआई के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 के गणित के अध्याय 8 के बारे में जानकारी देंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस पाठ में हम आपको कच्चे आंकड़े, समांक, बारंबारता एवं माध्य के बारे में जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कच्चे आंकड़े एवं समांक की। किसी विशेष उद्देश्य से एकत्र की गई संख्यात्मक जानकारी को कच्चे आंकड़े कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी विशेष उद्देश्य से एकत्र की गई संख्यात्मक जानकारी को कच्चे आंकड़े कहते हैं, जबकि यह जानकारी देने वाली प्रत्येक संख्या को समांक कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक सारणी दी गई है, जिसके पहले स्तंभ में विषयों के नाम जैसे कि हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास वगैरह दिए गए हैं, जबकि दूसरे स्तंभ में इन विषयों के पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो अब इनमें कच्चे आंकड़े एवं समांक क्या होंगे, आइए वह देखते हैं। दूसरे स्तंभ में पुस्तकों की संख्या जो दे रखी है, इनके पूरे समूह को हम कच्चे आंकड़े कहते हैं, जबकि इस समूह के प्रत्येक अंक जैसे कि 226, 325 अथवा 152 को हम समांक कहेंगे। आइए अब बात करते हैं बारंबारता की। कोई संख्या स्वयं को किसी समूह में जितनी बार दोहराती है, उसे हम बारंबारता कहते हैं। जैसे सुनिए, कोई संख्या स्वयं को किसी समूह में जितनी बार दोहराती है, उसे हम बारंबारता कहते हैं। बारंबारता कैसे ज्ञात की जाती है, यह सीखने के लिए हम आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें किसी इलाके में 10 घरों में वाहनों की संख्या दी हुई है, जो कि इस प्रकार है। आप देख सकते हैं इस समूह में केवल 3 संख्याएं उपस्थित हैं, 1, 2 व 3। हम इनमें से प्रत्येक संख्या की बारंबारता निकालेंगे, और किसी भी संख्या की बारंबारता निकालने के लिए हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं मिलान चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम इस समूह को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला अंक हमें मिलेगा 1, तो हम 1 पे काट मारेंगे और 1 के सामने एक डंडा खींचेंगे। फिर हम 2 पे काट मारेंगे और 2 के सामने एक डंडा खींचेंगे। फिर हम 1 पे काट मारेंगे और 1 के सामने एक और डंडा खींचेंगे। फिर हम 3 पे काट मारेंगे और 3 के सामने एक डंडा खींचेंगे। फिर हम 1 पे काट मारेंगे और 1 के सामने एक डंडा खींचेंगे। फिर हम 2 पे काट मारेंगे और 2 के सामने एक और डंडा खींचेंगे। फिर हम 3 पे काट मारेंगे और 3 के सामने एक और डंडा खींचेंगे। फिर हम 1 पे काट मारेंगे और 1 के सामने एक और डंडा खींचेंगे। फिर हम 2 पे काट मारेंगे और 2 के सामने एक और डंडा खींचेंगे। अब ध्यान दीजिए, 1 जो है वो 5वीं बार आ रहा है। जब भी कोई संख्या 5वीं बार आ जाए, तो हम 5वां डंडा नहीं बनाते हैं। हम उसकी बजाय सिर्फ 4 डंडे हमने अब तक बनाए हैं 1 के सामने, उन पर एक काट मारते हैं और उससे हम 5 गिनते हैं। ध्यान दीजिए, हमें एक और डंडा नहीं बनाना है, हमें जो 4 पहले डंडे हमने बनाए थे उन पर एक काट मारनी है और उसे ही हम 5 कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 की बारंबारता है 5, 2 की बारंबारता है 3 एवं 3 की बारंबारता है 2। इस प्रकार हमने तीनों संख्याओं की बारंबारता निकाल ली। बारंबारता निकालने के लिए आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने किसी पासे को 36 बार देखा, तो उसके पृष्ठ पर आने वाली प्रत्येक संख्या कुछ इस प्रकार है। इन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का बारंबारता निकालने के लिए हम एक सारणी का प्रयोग करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगी। उस सारणी में हम पहले स्तंभ में संख्या लिखेंगे, दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्ह एवं तीसरे स्तंभ में बारंबारता लिखेंगे। आप देख सकते हैं मिलान चिन्ह से कि 1 जो है वो 5 बार उपस्थित है इस समूह में। देखते हैं 1 कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए पहला 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसी प्रकार 6 जो है वो 4 बार आ रहा है। फिलहाल चिन्हों से हम ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ है 6, देखते हैं। 1 6 ये रहा, दूसरा 6 ये रहा, तीसरा ये एवं चौथा ये। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फिलहाल चिन्हों ने हमें इन सभी संख्याओं की बारंबारता दिखा दी है, जो कि तीसरे स्तंभ में लिखी गई है इस प्रकार। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इन सभी बारंबारताओं का जो योगफल होगा वो
को 36 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पासे को 36 बार फेंका है। आइए अब हम बात करते हैं माध्य की। माध्य को सांख्यिकी में इस चिन्ह से सांकेतिक किया जाता है। कहीं भी आपको यह चिन्ह दिखे तो इसका मतलब माध्य के बारे में बात की जा रही है। सांख्यिकी में औसत को ही माध्य कहा जाता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक सारणी दी गई है जिसके पहले स्तंभ में संख्याएं, दूसरे स्तंभ में बारंबारता एवं तीसरे स्तंभ में हमें उनके गुणफल दिए गए हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम इनके गुणफलों का योगफल निकालेंगे और उसे भाग देंगे बारंबारता के योगफल से, जो कि कुछ ऐसा है। ध्यान से देखिए, इनके गुणफलों का योगफल है 123 एवं इनके बारंबारताओं का योगफल है 36। इनको हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3.41। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें भी हमें एक सारणी दी गई है जिसके पहले स्तंभ में परिवार में बच्चों की संख्या एवं दूसरे स्तंभ में बारंबारता और तीसरे स्तंभ में उनके गुणफल दिए गए हैं। इस समूह का माध्य निकालने के लिए हम फिर से वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इनके गुणफलों का योगफल निकालेंगे जो कि 20 है एवं इनकी बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे जो कि 10 है। फिर हम इसके गुणफल के योगफल जो कि 20 है उसको बारंबारताओं के योगफल के जो कि 10 है उससे भाग देंगे। इसका उत्तर हमें 2 मिलेगा, जो कि ये बताता है कि इस समूह का माध्य 2 है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि कच्चे आंकड़े एवं समांक किसे कहते हैं और यदि हमें कच्चे आंकड़े दिए गए हैं तो उनका माध्य कैसे निकल जाता है एवं प्रत्येक समांक की बारंबारता भी कैसे निकल